नगर निकाय चुनावों से ठीक पहले नगर परिषद सुजानपुर ने विकास कार्य को लेकर अंतिम बैठक नगर परिषद कार्यालय में आयोजित कर ली है। नगर परिषद अध्यक्ष अशोक मेहरा, अधिकारी संजय कुमार, उपाध्यक्ष कमलेश कुमारी की अगुवाई में आयोजित हुई ये बैठक, जिसमें कुछ एक पार्षदों को छोड़कर सभी पार्षदों एवं मनोनीत पार्षदों ने हाजिरी लगाई। बैठक में सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा कोविड महामारी को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसकी विस्तृत जानकारी नगर परिषद अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि शहर के सभी वार्ड पार्षदों को अपने अपने वार्ड में आयोजित होने वाले 30 कार्यक्रमों, अन्य उत्सवों के आयोजन की तमाम जानकारी नगर परिषद में आकर देनी होगी। इसके साथ साथ जिस घर में कार्यक्रम होना है, वह सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर इसकी अनुमति लेना सुनिश्चित करें। अधिकारी ने वार्ड पार्षदों से कहा कि कार्यक्रम शुरू होने से 2 दिन पहले उस घर में जाएं और तमाम नियम जो सुरक्षा एवं एहतियातन के मद्देनजर जारी किए गए हैं, उनकी सारी जानकारी उस परिवार को दें। इसके साथ साथ बैठक में ऐतिहासिक चौगान की सफाई को लेकर भी निर्देश जारी हुए कि महीने में 3 बार इसकी सफाई नगर परिषद करेगी। सफाई को लेकर जो भी खर्च होगा, उसे सुजानपुर प्रशासन वहन करेगा। इसके साथ साथ ये भी प्रस्ताव डाला गया कि कोविड-19 से जो मौत होती है, उसके लिए नगर परिषद के सफाई कर्मी परिवार की सहायता में लगते हैं। उन्हें नगर परिषद की ओर से प्रोत्साहन राशि प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए दिया जाएगा। बैठक में उपमंडल अधिकारी द्वारा पार्किंग जिसे नगर परिषद को देने की बात की गई है, उस पर भी चर्चा की गई। पत्राचार के माध्यम से उपमंडल अधिकारी एवं पर्यटन विभाग को लिखित तौर पर सूचना दी गई कि इसे नगर परिषद के नाम किया जाए, ताकि इसकी तमाम व्यवस्था सही तरीके से कर सकें। इसके साथ साथ बैठक में केंद्र से लेकर सिविल अस्पताल तक की भूमि को नगर परिषद के नाम करने को भी उपमंडल अधिकारी को लिखा गया था कि यहां पर पार्किंग की व्यवस्था उचित तरीके से हो सके। इस मौके पर नगर परिषद पूर्व अध्यक्ष रमन भटनागर, पूर्व अध्यक्ष मनोज ठाकुर उपस्थित रहे। नगर परिषद की बैठक हुई, इसमें जो सरकार द्वारा हमें निर्देश प्राप्त हुआ है, उन्होंने आदेश पारित किया है 8 दिसंबर को अभी रिसेंटली। उसमें विशेषकर जो है कोविड के जो इस समय माहौल चल रहा है, जो अभी काफ़ी फैला हुआ है, इसके रिलेटेड जो है एक डायरेक्शन जारी की है, जिसके संदर्भ में आज बैठक में जो है सभी पार्षदों को जो है इसके बारे में अवगत करवाया। सरकार द्वारा इनको जो जितने हमारे पार्षद हैं, वो सर्विलेंस ऑफिसर, सर्विलेंस पर्सनल के रूप में काम करेंगे। ये इनकी जिम्मेवारी अपने वार्ड में किसी प्रकार के जो आयोजन किसी प्रकार के होते, चाहे शादी है, जन्मदिन है या कोई भी समारोह है, उसकी जानकारी जो है वो नगर परिषद को उपलब्ध कराएंगे। इसमें जो है जिसके घर में आयोजन होना है, वो आदमी सरकार की जो वेबसाइट है पोर्टल के ऊपर जो है वो अप्लाई करेगा, उसके पश्चात जो है वो ऑनलाइन जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो संबंधित पार्षद हैं वो अपने वार्ड में जिस दिन आयोजन होना है उससे 2 दिन पूर्व जाकर उनकी आईसी करेंगे, कि जैसे आयोजकों को बताएंगे कि फंक्शन के दौरान 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहने, ग्लव्स लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और सैनिटाइजर की व्यवस्था जो है वहाँ पर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है वो वहाँ पर जो है अपना कोविड टेस्ट जो है वो उनका करवाया होना चाहिए, और इसके वो उनके पास होना चाहिए कि उन्होंने करवाया है। तो इस तरीके की जो सेंसिटाइजेशन है, ये पार्षद वहां पर अपने अपने वार्ड में करेंगे और उसकी सूचना नगर परिषद को देंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है इसको गवर्नमेंट के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसमें तो सेंसिटाइजेशन का आईसी के ऊपर जो है गवर्नमेंट स्ट्रेस किया है कि इसमें जो हमारे जो वार्ड पार्षद होते हैं, इनकी अपने वार्डों में जो है बड़ी भूमिका, एक अहम रोल प्ले करते हैं, तो ये वार्डों में लोगों को जब भी आयोजन हो तो उनके बारे में सेंसिटाइज करेंगे।